आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ पटाया बैंकॉक का कुछ ट्रेवल टाइम कोरोना से पहले, जबकि उधर से कोरोना से पहले मैं वापस आया था तभी का। एयरपोर्ट है, बहुत ही सुंदर, चारों ओर इधर तस्वीरें लगा रहता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। यह है ड्यूटी फ्री, जहाँ से जाने के टाइम में दारू ख़रीदना तो बनता है। बहुत सारे, बहुत टाइप्स के दारू इधर है। वैलेंटाइन्स है, 21 ईयर्स वैलेंटाइन्स। फिर आपको इधर मिलेगा ब्लू लेवल, गोल्ड लेवल, रिजर्व, डबल ब्लैक, जॉनी वॉकर के सारे ब्रांड्स। ये वीज़ा करने का जगह है, जहाँ से वीज़ा मिलता है। अभी मिलते हैं होटल के बाद वॉकिंग स्ट्रीट में आप लोगों से। ये है पटाया का मशहूर वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ पे आपको मिलेगा रशियन डांसर, थाई डांसर, स्ट्रिप डांसर, बहुत टाइप्स के क्लब्स। यहाँ पे मशहूर जो क्लब्स है, रास पटाया, कामा, टोनी डिस्को, ये सब बहुत इंडियन क्लब्स इधर मशहूर होता है। ये सी फूड का भी बहुत मशहूर जगह है। तो आज वॉकिंग स्ट्रीट में थोड़ा घूमने के बाद जाएंगे जो इंडियन क्लब है, फेवरेट सभी का, मेरा भी, वो है कामा। तो चलिए कामा के बाहर से कुछ ये पंजाबी भांगड़े हो रहे हैं पंजाबी मुंडे के द्वारा, चलिए अंदर चलते हैं। अभी कामा के अंदर अंदर जाके देखिए। ये सब देख के ऐसा लगता है कि आप कहीं पे भी जाओ वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया का सुगंध आप जहां पे भी जाओगे वहीं पे मिलेगा आपको। इंडियन कल्चर है ही इतना सुंदर कि वी प्राउड टू बी एन इंडियन। चलिए मेरे फेवरेट डिस्को में मेरे कुछ बिताए हुए सुनहरे पल। और यहाँ के जो क्लब के लड़कियाँ हैं वो भी बहुत फ्रेंडली है, अगर आप उनके साथ अच्छे व्यवहार करें तो वो भी आप लोगों के साथ फ्रेंडली होके दारू पी सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जो सारे जो इंडियन क्लब्स है, इधर सबसे ज़्यादा इंडियन म्यूज़िक ही चलता है। और यहाँ तो देखिए कैसे भंगड़ा हो रहा है, पूरा इंडियन कल्चर लग रहा है थाईलैंड में आ चुका है। बहुत ही बढ़िया मज़ा हो रहा है इधर। आप लोग भी जब आएंगे तो सारे इधर आप लोग भी आके मज़ा कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होता है यहाँ का माहौल। हाँ, और एक बात दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है जीनियस अरिंदम, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए मैं और सारी ढेर सारी वीडियोस ला सकूं। तो फिर ज़रूर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक भी दे दीजिएगा, और अगर कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आप लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे याच पार्टी पे। याच पार्टी एक बहुत ही बेहतरीन क्रूज बोट होता है, जो कि पटाया में बीच से आपको समुन्दर के अंदर लिया जाएगा। मोटा मोटी पकड़ के चलिए 4-5 घंटा पूरा घूमेंगे वहां पे। यहाँ पे फ्रूट जूस, पानी, फ्रूट्स, दारू सब अनलिमिटेड मिलता है अगर आप पैकेज बुक करते हैं हम लोगों के साथ, और लड़कियां भी रहते हैं डांस वगैरह सब कुछ करने के लिए। बहुत ही मज़ेदार और एंजॉयफुल ये याच पार्टी होता है। डेफिनेटली बैचलर्स के लिए तो ये एक स्वर्ग की तरह होता है। तो दोस्तों, अगर आपको पटाया में आना है, घूमना है, मज़ा करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हैं, तो वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा तो आप लोगों को सब डिटेल्स में बताया जाएगा, और ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। अगले ही दिन दोस्तों आ गए हम बैंकॉक में। यहाँ का मशहूर क्रूज डिनर जिसे बोला जाता है, चाओ फ्राया रिवर के ऊपर होता है ये क्रूज डिनर विद अनलिमिटेड फूड। यहाँ पे रात के टाइम में बैंकॉक का जो नज़ारा आता है बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत होता है। तो चलिए इस क्रूज के ऊपर हम लोग अपना कुछ समय कटाकर डिनर करने के बाद हम लोग होटल वापस जाएंगे, और उसके बाद हम लोग सीधा रवाना होंगे अपने घर इंडिया के लिए। तो ये जो क्रूज डिनर होता है, आप जब भी आइएगा पटाया या बैंकॉक, ये क्रूज डिनर ज़रूर कीजिएगा, यही आपका मोमेंट रह जाएगा जिंदगी में। अभी टाइम हो गया, टाइम कम्स फॉर गो बैक टू इंडिया। ये मेरा कार्ड है, रख दीजिएगा थाईलैंड के लिए।